अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ डॉक्टर सादिया शेख। जब कभी कोई अपने वेट लॉस जर्नी पे होता है, जब कोई अपना वजन कम करने के दौरान, ये तीन प्रॉब्लम्स हर कोई को फेस करने पड़ रहे होते हैं। नंबर वन पे ये कि या तो वेट स्टक हो जाता है या फिर वजन कम ही नहीं होता, और नंबर टू पे ये कि कॉन्स्टिपेशन जैसे प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाते हैं। और जब कॉन्स्टिपेशन जैसे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो फिर डाइजेस्टिव इश्यूज भी स्टार्ट हो जाते हैं। ना खाना प्रॉपर तरीके से जज्ब होता है, ना एक्सक्रीट आउट होता है, वजन भी कम नहीं होता, और फिर डिफरेंट किस्म की बीमारियाँ भी स्टार्ट हो जाती हैं। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन जो है उसे उमुल मर्ज कहा जाता है। जैसे मोटापे को उमुल मर्ज कहा जाता है ना, वैसे कॉन्स्टिपेशन को भी, कब्ज को भी उमुल मर्ज कहा जाता है, कि इसके होने से और डिफरेंट किस्म की दूसरी बीमारियां भी जन्म लेने लगती हैं, राइट। अगर आप प्रॉपर तरीके की डाइट नहीं लेते हैं तो फिर आपकी स्किन रफ होना शुरू हो जाती है, आपके नेल्स ब्रिटल हो जाते हैं, नेल्स टूटना शुरू हो जाते हैं, आपकी स्किन रफ हो जाती है, ड्राई हो जाती है, आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, आपके बाल ड्राई हो जाते हैं, और आंखों में भी ड्राइनेस आना शुरू हो जाती है, और हैंड्स की जो स्किन होती है इसका मॉइस्चर भी जो है वो फेस के स्किन के साथ साथ हैंड्स का जो मॉइस्चर होता है स्किन का, वो भी जो है वो मीन्स स्किन ड्राई और रफ होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी, इन तीन प्रॉब्लम्स का जो है तीन ही स्टेप्स में सॉल्यूशन है, तो वो मैं आपको अभी बताती हूँ। उससे पहले आप मेरा चैनल कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक और सबके साथ शेयर करें। आप इस तरह से मुझे हेल्प करें, मैं आपको इस तरह से हेल्प करती हूँ कि जो नुकसान मुझे हुए, जिन चीज़ों से मैं गो थ्रू हुई, उन चीज़ों से मैं आपको बचाना चाहती हूँ। तो आप मेरी इस तरह से हेल्प करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो लाइक करें और सबके साथ शेयर करें, ताकि ये नॉलेज सबके पास आसानी से पहुँच सके, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, इसके तीन स्टेप्स हैं, अगर वो आप अपने रूटीन में शामिल कर लेंगे तो इंशाल्लाह यूं आपका ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, नंबर वन पे ये है कि आपने अपनी डाइट में हाई वॉल्यूम लो कैलोरी फूड्स का इस्तेमाल करना है। अब हाई वॉल्यूम लो कैलोरी फूड्स क्या होते हैं? हाई वॉल्यूम मीन्स वो बल्क में हो जाते हैं, उनका हजम उनका ज़्यादा होता है, दिखने में ज़्यादा लगते हैं लेकिन उनकी कैलोरीज कम होती हैं। और उसकी बेस्ट एग्जांपल है वेजिटेबल्स, जैसे सलाद के पत्ते हो गए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, हरे पत्तों वाली सब्जियां हो गई, गोभी हो गई, दोनों टाइप की गोभी, जो बंद गोभी होती है और फूल गोभी, दोनों गोभी हो गई। फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो ऐसे फ्रूट्स जैसे पपीता है और तरबूज का, देखें मैं कह सकती हूँ तरबूज में वैसे 95% पानी होता है, लेकिन ऐसा तरबूज जो बहुत ज़्यादा मीठा ना हो। अगेन मैं यही कहूँगी कि ऐसे फ्रूट्स जिनमें वाटर कॉन्टेंट ज़्यादा होता है, सिट्रस फ्रूट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बेरीज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसे फ्रूट्स जिनका शुगर लेवल कम हो, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो। दालें इनमें आ जाती हैं, चने, राजमा, लोबिया इसके अंदर आ जाता है। आप दलिये का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका हजम ज़्यादा होता है लेकिन उसके कैलोरीज कम होती हैं, उसके अंदर फाइबर भी होता है, राइट। और इसके अलावा जैसे पॉपकॉर्न है, जो घर के बने हुए पॉपकॉर्न होते हैं, पैकेट्स वाले पॉपकॉर्न नहीं, पैकेट्स वाले पॉपकॉर्न में इतना सॉल्ट एडेड होता है तो वो आपको और नुकसान करेगा, उसमें प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं घर के बने हुए पॉपकॉर्न्स, ठीक है, उनका आपने इस्तेमाल करना है। और मखानों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे मील्स जो हैं आप, ये सारे फूड आइटम्स जो हैं वो आप अपने, इनको कहते हैं हाई वॉल्यूम लो कैलोरी फूड। तो इनको जब आप अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो आपकी ये तीनों प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, राइट। अच्छा जी, नंबर टू पे है कि इंक्रीज योर नीड, ठीक है। नीड क्या है? नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। नीड जो आपके रोजमर्रा के जो काम होते हैं ना, उसे नीड कहते हैं। मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाया था, कोई बात नहीं, मैं अभी भी समझा देती हूँ। मैं बार 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 चीज़ों को रिपीट इस वजह से भी आप लोगों के लिए अच्छा है कि जितनी दफ़ा सुनेंगे तो आप इन सब चीज़ों को फिर अपने रूटीन में इंप्लीमेंट करेंगे। अच्छा जी, उसमें ये होता है कि हम क्या करते हैं, मिस्टेक क्या करते हैं कि बस एक स्पेसिफिक टाइम निकाल के उस टाइम हम एक्सरसाइज कर लेते हैं और बाकी जितना टाइम होता है उसमें या तो हम इनएक्टिव रहते हैं या फिर बैठे रहते हैं या फिर हमारा कोई काम करने का दिल नहीं चाहता, ठीक है। लेजीनेस बहुत ज़्यादा होती है और सेडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा है ना, हर चीज़ रिमोट से चल रही है तो आप एक्टिविटी कम दिखाते हैं। तो नीड अपनी इंक्रीज करनी है, मीन्स रोज़मर्रा के काम, ऑफिस जा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि स्टेयर्स लिफ्ट के बजाय स्टेयर्स
का इस्तेमाल कर लें, गाड़ी और मोटरसाइकिल के इस्तेमाल से बेहतर है आप साइकिल का इस्तेमाल कर लें और गाड़ी और मोटरसाइकिल को वॉश कर लें, उसमें आपकी कैलोरीज बर्न हो जाएंगी, तो उसमें आपके मसल्स की एक्टिविटी होगी। गाड़ी और उसमें बैठने के बजाय उसको धो लें, साफ सुथरा कर लें और साइकिल लेके चले जाएं, उससे तो आपकी एक्टिविटी जो होती है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये नीट में आ जाता है। या फिर आप जो है वो साइकिलिंग कर लें, स्किपिंग कर लें, घर के जो आपके जो घर के जो रोज़मर्रा के काम है वो भी आपने एक्टिव होकर करने हैं, बहुत आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्लो नहीं करना है, यानी पूरा दिन आपने एक्टिव रहना है एक्सरसाइज के अलावा। और जैसे कुछ लोग ये कह रहे होते हैं ना कि घर के काम तो एक्सरसाइज में नहीं आते, यार क्यों नहीं आते घर के काम एक्सरसाइज में? लोग ये कहते हैं कि घर का काम स्ट्रेस है, मुझे तो नहीं लगता, घर का काम कहीं से भी स्ट्रेस नहीं है, बल्कि तो आप और रिलैक्स फील करते हैं क्योंकि आपने हर चीज़ अपने हाथों से की भी होती है, आपके मसल्स लुब्रिकेटेड होते हैं, इस तरह से आपके मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, आप बिजी रहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है नंबर 3 पे कि आपने ऐसे काम करने हैं और ऐसे मील्स लेने हैं जिससे आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाए, और जब आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तो फिर आपका वेट लॉस भी क्विक होगा और आपको ये प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगे, आपका वेट स्टक नहीं होगा, आपका वेट जल्दी जल्दी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा और कॉन्स्टिपेशन जैसा प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाएगा, और जो मैंने कहा था कि जो स्किन रफ हो जाती है वो सब चीज़ों से भी आप जो है वो महफूज हो जाएंगे। ये कैसे करना है, आपको किस तरीके से आप अपना मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है डिफरेंट वीडियोज़ में, उनको जाके आप विजिट कर लीजिएगा, यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स डिस्कस करूँगी। राइट, सबसे पहले तो नंबर 1 पे मैं ये कहूँगी कि आप जो है वो पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, अपनी फूड्स में स्पाइसेस का इस्तेमाल करें, प्रोटीन का इस्तेमाल करें, इनका थर्मोजेनिक इफेक्ट होता है और ये कैलोरीज ज़्यादा से ज़्यादा बर्न करते हैं। ठीक है, सनलाइट में बैठें, सनलाइट में आपने सुबह 8 से 9 बजे से पहले पहले की सनलाइट में बैठना है, फजर से लेके 8 से 9 बजे तक की सनलाइट में, इसके बाद अगर आप बैठेंगे तो वो आपकी स्किन को डैमेज करेगी। ओके, इससे पहले पहले आपने बैठना है 10 से 15 मिनट, मोर देन एनफ है आपके लिए। राइट, उससे भी आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो होता है वो बूस्ट होता है, आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं और वो इन्फ्लेमेशन रिजॉल्व होती है, इम्यूनिटी आपकी बूस्ट होती है, तो वेट लॉस में वो डेफिनेटली हेल्प करता है सनलाइट में बैठना। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा आपने ग्रीन टी का आप इस्तेमाल करें, ग्रीन टी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टी और कॉफ़ी का मैं कहूँगी कि टी और कॉफ़ी आप लें, लेकिन ब्लैक टी और ब्लैक कॉफ़ी, उसके अंदर आपने मिल्क ना होने के बराबर इस्तेमाल करना है, कोई उसके अंदर शुगर ऐड नहीं करनी है। ओके, इसके अलावा आपको अपनी स्लीप बेटर करनी है, रात में आपने साउंड स्लीप लेनी है, बहुत अच्छे तरीके से सोना है, इसलिए आपने रात में कोई भी कैफिनेटेड बेवरेज नहीं लेना है, विटामिन सी का इस्तेमाल करें, लेकिन विटामिन सी का सप्लीमेंट लेने के बजाय आप डाइट में विटामिन सी का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स लें, अमरूद लें, लेमन का इस्तेमाल करें। ठीक है, डाइट वाले जो विटामिन सी होता है वो बॉडी में बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होता है कंपैरेटिवली सप्लीमेंट्स के। राइट, इसके अलावा एप्पल साइडर विनेगर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सरसाइज को अपना रूटीन बनाएं, एक्सरसाइज करने से भी आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो होता है वो बूस्ट होता है, और इसके अलावा वीक में 2 to 3 times आप हिट एक्सरसाइजेस भी कीजिए। अब हिट एक्सरसाइजेस क्या होती है, हिट एक्सरसाइजेस के साथ टबेटा एक एक्सरसाइज प्रोग्राम है, उस पर यूट्यूब पे आप सर्च करें, जो आपको इजी लगती है 3 to 4 minutes की आपने वीक में 2 to 3 times अपने रूटीन में आप जरूर शामिल करें वॉक के साथ साथ, बाकी दिनों में वॉक करें, 2 to 3 times आप टबेटा एक्सरसाइज कर सकते हैं, हिट एक्सरसाइज कर सकते हैं, जहाँ आप वो वेट लूज करने के लिए आप वो सर्च कर रहे होते हैं ना कि हाउ टू लूज वेट, हाउ टू लूज 10 kg वेट इन 10 days, वहाँ पर आप ये सर्च ना करें, आप ये जाके सर्च करें कि टबाटा और हिट एक्सरसाइजेस क्या हैं जो आपको सूट करती हैं, आप 5 minutes उसके लिए, 5 to 10 minutes आप उसके लिए ज़रूर निकालें, बल्कि 5 minutes भी मोर देन एनफ है। ठीक है, और वीक में एक दिन आपने बिल्कुल रिलैक्स रहना है, अपने आराम का ख्याल रखना है ताकि आपके मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाए। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिए, और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं कि जब आप जो आपके ये बाल रफ हो जाते हैं और जो नेल्स ब्रिटल हो जाते हैं, स्किन रफ हो जाती है, ये उस वक्त होती है जब हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अपनी डाइट में उसका ख्याल नहीं कर रहे होते। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का तो सबको पता चल गया कि कार्बोहाइड्रेट लेना है, प्रोटीन लेना है, फैट्स लेने हैं, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं आपके मिनरल्स और विटामिंस।
तो मिनरल्स और विटामिंस आपको मिलेंगे फ्रूट्स इनटेक से, सब्जियों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल से, विटामिन सी से, विटामिन सी भी आपको फूड इनटेक करके लेना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, इन तीन स्टेप्स को आप फॉलो करें, आपके तीनों प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख साइनिंग ऑफ, बाय बाय। ऐसी मजीद वेट लॉस टिप्स और फूड आइडियाज के लिए मेरे इंस्टाग्राम को अभी फॉलो करें।